हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज स्काई चैनल में। दोस्तों, हमने इसके पहले आपको महमूद गजनबी तक बता चुके थे। महमूद गजनबी एक तुर्की था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो महमूद गजनबी के बाद गौर वंश का मोहम्मद गौरी भारत आया हुआ था और इसने भी भारत में आकर बहुत ज्यादा लूटपाट की थी। दोस्तों, अभी तक जितने भी मोहम्मद बिन कासिम हो या महमूद गजनबी हो या मोहम्मद गौरी हो, इनका भारत आने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत में आकर लूट करना था। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी को हम मोहम्मद बिन सैम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन सैम किस व्यक्ति का पूरा नाम था। वहां पर आपको मोहम्मद गौरी भी ऑप्शन में मिलेगा, मोहम्मद बिन कासिम भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों, यह है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को हम मोहम्मद बिन सैम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बहुत इंपॉर्टेंट युद्धों के बारे में। बहुत मुख्यपूर्ण ये युद्ध हैं जो इसने भारत में आकर लड़े हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं 1175 का। 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के कर्मार्थी शासकों पर युद्ध लड़ा था। मुल्तान के कर्मार्थी शासकों के साथ यह युद्ध लड़ा था। और दोस्तों, याद रखना, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। मोहम्मद गौरी हार चुका था 1175 में। तो मोहम्मद गौरी सबसे पहली बार 1175 में भारत आया था। 1175 के बाद इसने 1178 में युद्ध लड़ा था। यह युद्ध हुआ था मूलराज द्वितीय के साथ। दोस्तों, याद रखना, मूलराज द्वितीय के साथ जो युद्ध हुआ था 1178 में, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना, जो मूलराज द्वितीय था यह सोलंकी राजा था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। इसके बाद दोस्तों, 1178 के बाद मोहम्मद गौरी ने 1191 और 1192 लगातार 91 और 92 में दो युद्ध किए थे। दोस्तों, यहां से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं और ये दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट हैं। 1191 और 1192 के युद्धों को हम तराइन के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध अर्थात 1191 का युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध अर्थात 1192 का युद्ध। दोस्तों, आपको पता होगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध था किन दो शासकों के बीच हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। यह तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। दोस्तों, इन युद्धों का परिणाम क्या हुआ था? जो प्रथम युद्ध था तराइन का, इसमें मोहम्मद गौरी की बुरी तरीके से पराजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। लेकिन इसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तो दोस्तों, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है जहां से क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट सन ही पूछ लिया जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध किस सन में हुआ था। दोस्तों, यह भी पूछ लिया जाता है कि यह युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था और इसका परिणाम भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा था और द्वितीय युद्ध का परिणाम क्या रहा था। दोस्तों, थोड़ा सा यदि हम डीप जाकर के देखें तो यह युद्ध तराइन का युद्ध इसलिए कहलाता है क्योंकि यह तराइन के मैदान पर हुआ था। अभी हमने देखा था कि बहुत से पेपरों में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो तराइन का मैदान है वह कहां आता है। तो तराइन का मैदान हरियाणा में थानेश्वर के निकट है। हरियाणा में थानेश्वर के समीप एक मैदान है जिस मैदान को हम तराइन के मैदान के नाम से जानते हैं। और आगे एक और क्वेश्चन आया था, तराइन का मैदान किस नदी के तट पर बसा था। तो तराइन का मैदान सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों, याद रखना, 1191 1192 के युद्धों को हम तराइन का युद्ध बोलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 का, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 का, और यह दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। मोहम्मद गौरी प्रथम युद्ध में हार गया था और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जीत गया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध था जो भारत पर, वो जयचंद से हुआ था 1194 का था। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं जिस ट्रिक से आप याद रख सकते हो इसको। जयचंद, चंद मतलब चांद, है ना, चंद मतलब होता है चंद्रमा, चांद। और इसी से आप रखना कि जो यह युद्ध था यह चंदावर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। चंदावर के युद्ध को ही हम इस युद्ध को चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। यह समय था 1194 का। तो क्वेश्चन आ जाता है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। किन दो शासकों के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। किस शासक की इसमें विजय हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की इस युद्ध में विजय हुई थी। दोस्तों, थोड़ा सा और डीप जाते हैं तो क्वेश्चन आता है कि चंदावर का जो चंदावर जगह है वर्तमान भारत में कहां पर आती है? तो यह यूपी में इटावा जिला है। यूपी में जो इटावा जिला है, इटावा जिले के पास है चंदावर, वहीं पर यह युद्ध हुआ था। दोस्तों, 1194 के बाद हम आगे जाते हैं तो 1206 में मोहम्मद गौरी की
मृत्यु हो गई थी और इसकी मृत्यु का कारण यह था, जब यह वापस लौट रहा था तो खोकर जनजाति ने इसकी हत्या कर दी थी। दम्यक नामक स्थान पर खोकर जनजाति ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों मोहम्मद गौरी में एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से आती है कि दहलीवाल आप शब्द थोड़ा सा नोटिस करिएगा। दहलीवाल एक प्रकार के सिक्के थे जो कि मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए थे और इसके पीछे लक्ष्मी जी का चित्र बना हुआ था। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि दहलीवाल नामक जो सिक्के थे उसके पीछे किस भगवान का स्वरूप था, तो लक्ष्मी जी का चित्र बना हुआ था और यह सिक्के मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए थे। दोस्तों मोहम्मद गौरी भारत में अपना प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर गया था। मोहम्मद गौरी जब वापस गया था, गौर वंश जा रहा था, तो उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रशासक नियुक्त कर गया था और इसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में प्रशासन किया और वहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा सल्तनत काल। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी के बाद से ही भारत में प्रशासन, मुसलमानों का प्रशासन चालू हुआ है और यहां से हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड है वह 1206 से 1526 का टाइम पीरियड है। इसमें अलग अलग वंशों का शासन रहा भारत में। इन वंशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आने वाली वीडियो में। हम इन वंशों के बारे में बताएंगे आपको किस वंश का संस्थापक कौन रहा है, किस वंश ने कितने समय शासन किया है और हर वंश में कौन कौन से ऐसे प्रमुख शासक हुए हैं जिनके बारे में हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा दोस्तों हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि सल्तनत काल में हमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में पढ़ना है। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक का शासन किया था। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया था। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक शासन किया है। सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया था। लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों हम थोड़ा सा देखते हैं जो गुलाम वंश है इसने टोटल 84 साल शासन किया है, जो खिलजी वंश है इसने टोटल 30 साल शासन किया है, तुगलक वंश ने 96 साल, सैयद वंश ने 37 साल और लोधी वंश ने 75 साल। तो दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज्यादा शासन सल्तनत काल में सबसे ज्यादा शासन किस वंश ने किया था, तो सल्तनत काल में सबसे ज्यादा शासन तुगलक वंश ने किया था और सबसे कम शासन खिलजी वंश ने किया था। कभी कभी दोस्तों घटते क्रम में जमाने को भी आ जाते हैं यह वंश, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में जमाने को आ जाते हैं। घटते क्रम अर्थात सबसे पहले जिसने शासन किया वो आएगा और सबसे बाद में वह वंश आएगा जिसने कम शासन किया। तो दोस्तों यदि हम देखें घटते क्रम में तो सबसे पहले तुगलक आता है, तुगलक ने सबसे ज्यादा शासन किया है, तुगलक के बाद आता है गुलाम, गुलाम के बाद आते हैं हमारे लोधी वंश, लोधी के बाद आता है सैयद और सैयद के बाद अंतिम आता है हमारा खिलजी वंश। तो आप दोस्तों याद रख सकते हैं टीजीएलएसके से आप याद कर सकते हैं, सबसे पहले तुगलक है, फिर गुलाम है, लोधी है, फिर सैयद है, फिर खिलजी है। ये घटते क्रम में सल्तनत काल के वंशों का शासन हैगा। दोस्तों तो यहाँ पर हमारा यह वीडियो हम आज खत्म करते हैं दोस्तों, और आने वाली वीडियो में हम सल्तनत काल के बारे में आपको बताने वाले हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।